फिल्मी दुनिया से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। एक जमाने में सुपरस्टार गोविंदा को गोली लगी है। गोविंदा की गोली लगने से पूरे फिल्मी दुनिया में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर गोविंदा को कैसे गोली लगी, क्या है पूरा मामला और गोविंदा की स्वास्थ्य कैसी है, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एक्टर को आज सुबह तड़के गोली लग गई है, जिसके बाद उन्हें CRITI केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें ये गोली खुद की रिवॉल्वर से लगी है, जिसमें उनका पैर जख्मी हो गया है। यह भी बताया जा रहा है कि गोविंदा कहीं जाने के लिए घर से निकल रहे थे, इस दौरान ही उनके साथ यह हादसा हो गया। गोविंदा अभी ICU में भर्ती है, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर इस खबर के आते ही एक्टर के फैंस भी परेशान हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा के साथ यह हादसा उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर की वजह से हुआ है। बताया जाता है कि एक्टर अपनी गन को साफ कर रहे थे, इसी दौरान गलती से गोली चल गई जो सीधे उनके पैर में लगी, इससे एक्टर जख्मी हो गए। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जैसे ही यह खबर बाहर आई तो एक्टर के फैंस भी उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हो गए। फैंस दुआ कर रहे हैं कि गोविंदा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। उधर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि एक्टर और शिवसेना नेता गोविंदा आज सुबह तड़के कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने साथ में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी रखी थी। मैनेजर ने बताया कि इसी दौरान गोविंदा के हाथ से रिवॉल्वर गिर गई और अचानक गोली चल गई, गोली उनके पैर में लग गई। हालांकि डॉक्टर ने ऑपरेशन करते हुए गोविंदा के पैर से गोली को बाहर निकाल दिया है। फिलहाल एक्टर अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके परिवार की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक गोली चलने के बाद वह मौके पर पहुंची और उन्होंने गोविंदा की रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अभिनेता की रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ है और गोली उनके घुटने में जा लगी है। गोविंदा के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है। इस साल मार्च के महीने में लोकसभा चुनाव से पहले गोविंदा मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि शिवसेना में इसलिए शामिल हुए क्योंकि यह एक साफ सुथरी पार्टी है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी जमकर सराहना की थी और कुछ महीने पहले उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी। एक्टर ने लिखा था, मुंबई में चुनाव प्रचार के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना सम्मान की बात थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध, स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06652242573, मोबाइल नंबर 9297979709।